तो गाइस अगर आप 17,000 के बजट में कोई 5G फोन देख रहे हैं जिसमें 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा मिल जाए और ज्यादा स्टोरेज के लिए 256 GB तक की रैम, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हो, क्योंकि आज की वीडियो में हमने ऐसे फोन्स को रखा है जो आपको पैसा वसूल फीचर्स देते हैं। इसके अलावा इन फोन्स में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाएगी जिससे इनमें डिस्प्ले की क्वालिटी भी बेस्ट मिलने वाली है। साथ ही गाइस इन फोन्स में आपको प्रोसेसर भी पावरफुल मिल जाएंगे जिससे आप गेमिंग करते हैं या डेली यूजर्स के कोई भी टास्क, आपका फोन बिल्कुल स्मूथली चलने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो बेस्ट फोन अंडर 17,000 को शुरू करते हैं। और आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है मोटोरोला की तरफ से मोटो G73 स्मार्टफोन। इस फोन में मिल जाता है मीडियाटेक का काफी पावरफुल चिपसेट मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 जो गेमिंग पर्पस से भी काफी अच्छा प्रोसेसर है। कैमरे की बात करें तो इसमें बैक साइड में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें मेन कैमरा 50 MP और दूसरा कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है और फ्रंट कैमरा इसमें 16 MP का मिलता है। गाइस के फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग 30 वॉट की। इसके अलावा अदर स्पेक्स में इसमें IP52 की रेटिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड और एंड्रॉइड वर्जन 13 मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको इजीली 17,000 में मिल जाता है। तो अगला फोन है नंबर 4 पर पोको X5 5G स्मार्टफोन। गाइस अगर आपको 17,000 के बजट में कोई गेमिंग फोन लेना हो तो आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। इस फोन में मिल जाता है काफी पावरफुल प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 जो इस फोन के साथ अराउंड 400,000 का इंट्रोड्यूस स्कोर लाता है और ये स्कोर इस बजट में आने वाले फोन के लिए काफी अच्छा है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें मेन कैमरा 48 MP, दूसरा कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है और फ्रंट कैमरे इसमें 13 MP मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण इसमें कलर्स और डिटेलिंग भी जबरदस्त मिलने वाली है और ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ भी आती है तो स्मूथनेस भी इसमें तगड़ी मिल जाएगी और ये फोन गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ भी आता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग 33 वॉट की। इसके अलावा इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड मिल जाता है और ब्राइटनेस 12 nits की। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 17,500 में मिल जाता है। तो नंबर 3 पर है इन्फिनिक्स नॉट 12 प्रो स्मार्टफोन। इसमें मिल जाता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर और ये प्रोसेसर इस बजट के फ्लैगशिप प्रोसेसर में से है ही, तो परफॉर्मेंस तो इसमें आपको तगड़ी मिल जाएगी। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें बैक साइड में ट्रिपल कैमरे सेटअप मिलता है जिसमें मेन कैमरा 108 MP और बाकी दो कैमरा 2+2 MP के मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं और फ्रंट कैमरा इसमें 16 MP मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आप कोई भी कंटेंट देखते हैं तो इसमें आपको कलर्स काफी अच्छे मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें ब्राइटनेस 600 nits की, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन और फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड मिलता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये फोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और चार्जिंग इसमें 33 वॉट की मिल जाती है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 16,499 में ही मिल जाता है। तो नंबर 2 पर रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन। गाइस फोन में मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर जो इस बजट के काफी फोन्स में यूज किया गया है और ये प्रोसेसर काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी लेके आता है। तो इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें मेन कैमरा 108 MP और दूसरा कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है और फ्रंट कैमरा इसमें 16 MP का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का और ब्राइटनेस 680 nits की मिल जाती है। इसके अलावा इस फोन में एंड्रॉइड वर्जन 13 में मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग 33 वॉट की और फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में साइड माउंटेड मिलता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको थोड़ा सा महंगा 18,000 में मिल जाता है। लेकिन अगर आप 17,000 का ही कोई फोन लेना चाहते हैं तो अगला फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन Redmi Note 12 5G। गाइस 17,000 के बजट में ये फोन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर और कैमरे दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। तो इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें मिल जाता है Snapdragon 4Gen 1 प्रोसेसर जो गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा प्रोसेसर है और गेमिंग करते हो इसमें आपको परफॉर्मेंस भी तगड़े लेवल की मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें मेन कैमरा 48 MP, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो लेंस मिल जाता है और फ्रंट कैमरे इसमें 13 MP मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है और आप सभी तो जानते हैं कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले में मूवीज या कोई भी वीडियो कंटेंट देखने में कलर्स काफी क्लियर मिलते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में भी फोन टॉप नॉच है और रिफ्रेश रेट इसमें 120 हर्ट्ज का मिल जाता है और ब्राइटनेस 1200 nits की जिससे आउटडोर में भी इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में साइड माउंटेड मिलता है। तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप 4GB रैम 128GB वाले
के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको इजीली 17,000 में मिल जाता है। और इसका 6GB रैम 128GB वाला वेरियंट 18,000 के अराउंड जाता है।